Brought to you by Howzat. Download the app now. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज हाल ही में रिटायरमेंट भी ले ली है, पर बहुत पुरानी बात नहीं है। हफीज उसी टीम का हिस्सा थे जिसने भारत को वर्ल्ड कप में यानी T20 वर्ल्ड कप में पिछले साल हराया था, पर अब एक दूसरे अवतार में दिख रहे हैं। सडनली लेजेंड्स लीग क्रिकेट, हाउज़ैट लेजेंड्स लीग क्रिकेट में हफीज हैं। और हफीज कैसा एक्सपीरियंस है? ये वो खिलाड़ी हैं जो आप भी सीनियर थे, कुछ आपके जूनियर भी हैं इसमें, तो ये पूरा कमराडरी, ये एक्सपीरियंस कैसा है लेजेंड्स लीग क्रिकेट में? मैं पर्सनली एज ए फैन ऑफ क्रिकेट इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अपने उन तमाम लेजेंड्स को जिनको अपने साथ हमने खेला या कुछ मुझसे पहले खेले हैं, उन सबको इकट्ठा देखना, दोबारा से एक मरतबा उनको इन एक्शन देखना, आई फील एज ए फैन इट्स अ बिग एंटरटेनमेंट टू मी, सो आई एम सो हैप्पी। अच्छा हफीज भाई, अगर आपको पता होगा पिछले वर्ल्ड कप में जो आपने खेला था T20 वर्ल्ड कप, इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच हुआ था, जो अगला T20 वर्ल्ड कप है इसी साल उसमें MCG में पहला मुकाबला है। आई थिंक ये ICC हमेशा इंडिया पाकिस्तान को फर्स्ट गेम इसलिए देता है ताकि इंगेजमेंट हो सके और उसको बूम मिल सके। सो आई थिंक दोनों टीम्स के ऊपर प्रेशर रहता है क्योंकि मैंने काफ़ी इनकाउंटर्स खेले हैं इंडिया पाकिस्तान के, तो पहले मैच का जो हारना है वो उसका बैड इम्पैक्ट रहता है। जो हुआ पिछले मैच हमेशा इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो भी पहला मैच हारता है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, और यू कैन सी दिस टाइम जब हमने पाकिस्तान ने वो मैच जीता इंडिया से, तो उसके बाद इंडिया की परफॉर्मेंस वैसे नहीं थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसे नहीं थी, क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रेशर इंडिया पाकिस्तान का प्लेयर जो बेयर करता है, और अगर उसमें फेलियर हो जाए, अगर उसमें आप सक्सेसफुल ना हो तो काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, आपने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के आपने बहुत मुकाबले खेले, हमें भी पता है, सबसे यादगार मुकाबला क्या वही रहेगा जो T20 वर्ल्ड कप पिछले साल खेला गया? नहीं, मेरे दिल की ख्वाहिश थी और दुआ भी थी कि अगर ऐसा होना है तो आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम। So I'm personally proud of Pakistan cricket team that it happened when I was there. अभी भाई क्रिकेट, जैसे आपने बोला क्योंकि क्रिकेट आप इतने लंबे अरसे तक खेलते रहे, क्या वो एक रीज़न था जो आपने रिटायरमेंट अनाउंस करे, या कि भाई एक तमन्ना अचीव हो गई? नहीं, मेरी जाती तौर पर आई वॉज अबाउट टू रिटायर, लेकिन अपने आप को पुश कर रहा था जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड, एंड आई थिंक दिस ईयर वी वर राइट देयर। अनफॉर्चुनेटली हम जीत नहीं सके, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने कोई इसकी हार की वजह से या टूर्नामेंट में हम जीत नहीं सके तो मैंने ये डिसीजन लिया। मेरे दिल की अंदर जो जितनी एक पैशन था उसके मुताबिक मैंने क्रिकेट खेली, और आई वॉज थिंकिंग दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी टू लीव, क्योंकि मैं अपने क्रिकेट का फैसला खुद करना चाहता था और एक लेगेसी सेट करना चाहता था, एक प्रेसिडेंट जो है सेट करना चाहता था आने वाली जनरेशन के लिए, कि जो रिटायरमेंट है वो हैप्पीली किया जा सकता, ना कि दुख के साथ, ना कि तकलीफ के साथ, आप ब्लेमिंग एनीवन एल्स, तो मैंने इसलिए सारा कुछ। अच्छा, आज के हालात में पाकिस्तान टीम बेहतर दिखती है अगर वाइट बॉल क्रिकेट की मैं बात करूँ या इंडिया? पर्सनली आई फील पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग, पाकिस्तान टीम इज़ गोइंग हाई, और इंडिया की टीम के पास मेरे साथ, मैं अगर इसको क्रिटिकली देखूँ तो विराट और रोहित शर्मा ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास ऐसे स्किल्स हैं कि जब वो स्कोर करते हैं तो वो पार रन्स को टच करते हैं। आई एम नॉट टेकिंग अवे, लाइक आई एम नॉट ट्राइंग, दूसरे प्लेयर जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, बट अगर ये दो प्लेयर इंडिया पाकिस्तान के मैच में अच्छा ना कर सकें या बड़े रन्स ना करें, तो बाकियों के लिए मैच जीतना या बाकी उस प्रेशर्स को भी हैंडल नहीं कर पा रहे, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा मुकाबला हमेशा रहेगा इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन अगर मैं इस वक्त विराट और रोहित इन दो को देखूँ तो दे आर वेरी गुड बैट्समैन, लेकिन बाकी जो हैं वो पाकिस्तान इंडिया के प्रेशर को हैंडल नहीं कर रहे। हफीज भाई, जाते जाते हमें पता है कि आप को जाना है, आपको PSL एक T20 लीग खत्म करके दूसरी T20 लीग में भी जाना है, पर जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है कि विराट ने अब कप्तानी छोड़ दी है, वो किसी भी फॉर्मेट में कप्तान नहीं है, पर टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी, क्योंकि विराट एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं उसको लेके काफ़ी नाम चल रहे हैं, रोहित शर्मा, KL राहुल और ऋषभ पंत, अगर आपको, क्योंकि रोहित शर्मा ऑलरेडी वाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान अनाउंस हो चुके हैं, अगर आप देखें जिस जगह पर आप हैं, आपको क्या लगता है कि एक यंगस्टर यानी उम्र में जो कम है ऋषभ पंत उनको देना चाहिए, या फिर एक्सपीरियंस जो कम है KL राहुल उनको देखते हैं? देखिए, मैं ज़्यादा तौर पर विराट की जो उसकी सर्विसेज हैं कैप्टन, मैं उसको बहुत तारीफ करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ही शुड बी प्राउड ऑफ
the effort he made, the services he put in as a captain. लेकिन ये डिसीजन मेरा नहीं है या मेरी कोई राय मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मुझे ये राय देनी चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया की टीम अच्छा खेले, क्योंकि एज ए फैन ऑफ क्रिकेट जब इंडिया अच्छा खेलता है तो आपको अच्छा लगता है. इंडिया की टीम जब अच्छा करती है तो वो जो टैलेंट हम देखते हैं, हम उसको देखना चाहते हैं एज ए फैन ऑफ क्रिकेट. तो पर्सनली आई वॉन्ट जो भी आए वो इंडिया के लिए अच्छा काम करे, इंडिया की क्रिकेट को और ऊपर लेके जाए. रोहित शर्मा, आजकल जितनी क्रिकेट हो रही है, आपको लग रहा है कि एक प्लेयर सारे फॉर्मेट संभाल सकता है? अगर रोहित शर्मा का जो सबसे बड़ी दावेदारी अगर रोहित शर्मा की आ रही है, क्योंकि गावस्कर ने कहा है कि आपको ऋषभ पंत को अपना नया कप्तान बनाना चाहिए, पर एक राय ये भी है कि आप रोहित शर्मा को अपना टेस्ट कप्तान बनाइए, उनके नीचे किसी. इसमें डिपेंड ये भी करता है कि एज ए प्लेयर वो इस रोल के लिए अपने आप को ऑफर करते हैं या नहीं. समटाइम आप नहीं चाहते कि आप इतने ज़्यादा प्रेशर्स लेके क्रिकेट खेलें. सो आई बिलीव इट डिपेंड्स ऑन अ इंडिविजुअल ऑल्सो कि वो अपने आप को कितने प्रेशर्स के अंदर रखे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर एज ए ओपनर बैट्समैन परफॉर्म करने का भी. तो जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो कोई भी किसी के ऊपर डाल दी जाए, उसको कोप करना मुश्किल हो जाता है. सो आई बिलीव इट्स अ पर्सनल डिसीजन, बट आई एम श्योर मैं ज़ाती तौर पर एज ए फैन मैं समझता हूँ जो भी इंडिया को लीड करे वो इंडिया के लिए अच्छा काम करे और इंडिया की क्रिकेट जो है वो. इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी हफीज भाई बोल रहे हैं कि एज अ फैन ये भारत पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज भाई पोस्ट रिटायरमेंट के लिए आपको ऑल द बेस्ट. थैंक यू. और जैसे आपने अपनी क्रिकेट खेली है, होपफुली आप रिटायरमेंट के बाद भी वैसे ही क्रिकेट कंट्रीब्यूट करते रहिए. थैंक यू सो मच.